अबे भाई 2 मिनट की वीडियो है, बिना स्किप करे पूरी देखना। हे इवन फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विंडोज 10 और विंडोज 11 में ओपन नहीं हो रहा है GTA San Andreas, तो कैसे ओपन करेंगे? आपका भाई बताएगा, भाई आपका भाई। तो सबसे पहले जहां आपका गेम है वहां जाइए और जाकर के राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे जाने के बाद देख रहे हैं आप कंपैटिबिलिटी लिखा हुआ है नीचे। कंपैटिबिलिटी जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है रन कंपैटिबिलिटी ट्रबल शूट। इसको आप ऑन कर देंगे आपके लैपटॉप में तो आपका जो दिक्कत होगा, जो एरर होगा गेम को चलाने का, वो दिखा देगा। तो शो कर गया है विंडोज कंपैटिबिलिटी मोड विंडो XP सर्विस पैक 3। तो इस सेटिंग को करने के लिए चलते हैं कंपैटिबिलिटी के फोल्डर पे। और कंपैटिबिलिटी के फोल्डर पे जाकर के मैं गेम को पहले खेल चुका हूं, तो मैंने सेटिंग इसकी कर ली थी, आपको बताता हूं। इसको जाना है चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर्स पे। जाने के बाद आपको जो ये लिखा हुआ है सर्विस पैक 3 मैंने कर ली थी, आपका डिफॉल्ट होगा, आप कुछ भी हो सकता है 7 पे या कुछ भी 95 पे या ऐसे XP वीटा पे हो सकता है। तो आप इसको जो है XP सर्विस पैक 3 पे कर लेना और इसको बिट 16 या जो 8 कुछ भी रख लेना, सेम आपका को चल जाएगा। और एक बार रिस्टार्ट कर देना इस ऑप्शन को क्लिक करके। मैंने ऑप्शन पे रिस्टार्ट कर दिया तो मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर से इसको रिस्टार्ट करके खेलना, 100% चलेगा। तो मैंने पहले सेटिंग कर ली थी तो मुझे रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कर लेना। और सिंपल फिर जाना, डबल क्लिक करना, और डबल क्लिक करने के बाद ये इजी टू रन हो जाएगा। अब डबल क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डबल क्लिक करके। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया और डबल क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं मेरा गेम हो चुका है स्टार्ट और बिल्कुल इजी है। तो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप करा सकते हो इस गेम को अपने PC या लैपटॉप में रन, चाहे वो विंडो 10 या हो विंडो 11। तो भाई एक लाइक जरूर से कर देना, एम रखते हैं 100 लाइक के लिए। मुझे पता है आप कंप्लीट करा दोगे। तो ऐसे ही गेमिंग कंटेंट और देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माय E1 फैमिली।